कोविड-19 के बड़े दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा कल किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 के नियमों को दरकिनार करने पर मुरादाबाद पुलिस ने जिलाध्यक्ष सहित 11 कांग्रेसियों के खिलाफ नाम दर्ज और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल कल कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर अपने कई दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ एक जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे थे। उनके द्वारा बढ़े हुए तेल के दामों का विरोध करते हुए मुरादाबाद डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इसके पूर्व ही कांग्रेसियों ने कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। ना तो इन कांग्रेसियों ने बचाव हेतु मास्क लगाया हुआ था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही ये कांग्रेसी कर रहे थे। और जब जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर से ई बाबत मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो वह झल्लाते हुए अपने सफाई देते रहे, दूसरी पार्टियों का हवाला देकर वहां से चलते बने थे। लेकिन ये खबर जैसे ही न्यूज चैनल ने ब्रेक की तभी सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 11 कांग्रेसियों के खिलाफ नाम दर्ज और इतने ही अज्ञात कांग्रेसियों पर भी मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। ये आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करीब 1 बजे दोपहर में कलेक्ट्रेट के पास ही इकट्ठा हुआ थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 लगी हुई है। ना तो इन्होंने डीएम साहब से कोई परमिशन ली और 5 लोग से अधिक लोग ये इकट्ठा हुए थे, इसलिए संगत धाराओं में इनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया और बाकी की विवेचना प्रचलित है। ये इसमें 11 लोग नामजद हैं और 10 से 12 लोग इसमें अन्य हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, उनकी पहचान हम वीडियो फुटेज और फोटो से करेंगे। इसमें जो धारा है वो 147, 188 और 269 IPC।